Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नए प्रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड एहतसाब अदालत में पेश। एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नहारी करार दे दिया। कैप्टन सफदर की जमानत मंजूर कर ली, रिहा कर दिया गया। बैरून मुल्क जाने के लिए अदालत से इजाजत लेना होगी। मरियम नवाज के जमानती मचल के भी जमा, समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। ये भी मसला है, एक आदमी आया तो दूसरा मसले का हल क्या है? जज मोहम्मद बशीर का शरीफ फैमिली के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। कुलसूम नवाज की तबीयत ठीक ना होने की वजह से नवाज शरीफ लंदन में है, आप एक मौका दें, आइंदा ऐसा हो तो फिर फैसला करें। ख्वाजा हारिस का शरीफ को आज एहतसाब अदालत में हाजिरी से इस्तस्था मिल गया। मुझ पर मुकदमात नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से बनाए गए। एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। खुद पेश होने वालों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, जबकि भगोड़े आजाद जलसे कर रहे हैं। मरियम नवाज की नैब कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगु। जो खुद पेश होते हैं, वॉलंटरली पेश होते हैं, कानून के सामने सर झुकाते हैं, उनको तो गिरफ्तार किया जाता है। और यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भागे भी हुए हैं और दूसरी अदालतों में जब जाते हैं तो उनको कोई गिरफ्तार। रात कैसी गुजरी, आप पर कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया? कैप्टन सफदर रिटायर्ड से सहाफी का सवाल। मैं कोई दहशतगर्द हूं जो तशद्दुद होता? हम इन चीजों के आदि हैं, सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हूं। मरियम नवाज के शौहर का जवाब। रात इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड की गिरफ्तारी पर लीगी एहतजाज। बेटे जुनेद सफदर कहते हैं कि हमने वो कर्ज उतारे जो वाजिब भी नहीं थे। NA21 के वोटर्स को वालदा पर फख्र है। नवाज शरीफ का भी मरियम नवाज को फोन, सूरत हाल पर बातचीत। जुडिशल अकेडमी की सिक्योरिटी पर पुलिस और FC मामूर, 1000 से जायद एहलकार तैनात, रेंजर्स को तलब नहीं किया गया। पंजाब के वजीर कानून राणा सनाउल्ला कहते हैं कि लगता है नैब कोर्ट के पास फैसला पहले से मौजूद है। इस सूरत हाल पर पाकिस्तान के आवाम भी अपना फैसला देंगे, जिसके बाद उनके फैसलों की हैसियत सानवी हो जाएगी। तलाल चौधरी कहते हैं मरियम नवाज ने पेश होकर कानून की पासदारी का अमली नमूना पेश किया। हसन नवाज और हुसैन नवाज हाजिरी से मुतालिक फैसला खुद करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज वालदा की अदालत के बावजूद अदालत में पेश हुई, लेकिन इमरान खान इलेक्शन कमीशन समेत तमाम ही अदालतों से मफरूर हैं। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी एहतसाब के नाम पर इंतकाम है। लड़ना हम भी जानते हैं, लेकिन इससे इंतशार फैलेगा। मुखालफीन की हसद, रकाबत और इंतकाम से मुल्क को नुकसान हो रहा है। वजीर रेलवे साद रफीक का ट्वीट। आप भी वो दिन याद करें जब मेरी जमानत होने के बावजूद रनवे से गिरफ्तार किया गया। आज आपने नैब को एयरपोर्ट में दाखिले से रोका। शर्जील मेमन। फाटा में FCR के खात्मे के लिए ANP की रैली की तैयारियां। शुरका मोटरवे पेशावर इंटरचेंज पर इस्लामाबाद जाएंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी आज 2 रोजा दौरे पर पेशावर आएंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें और NA4 में जिमनी इलेक्शन पर मुशावरत होगी। कोयटा के इलाके गवाल मंडी की हुदूद में मुसल्ला अफराद की कार पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ भाग, 1 जख्मी हो फरार।